पुणे के हर्ष हॉस्पिटल में लीवर की जांच के लिए फाइब्रो स्कैन अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्रारंभ हो गई है, जिससे लीवर में पीलिया, पेट दर्द, सूजन, गाढ़ा मूत्र, उल्टी, थकान, दुर्बलता जैसी परेशानियों का उपचार करने के लिए उसका सटीक विश्लेषण कर सही उपचार किया जा सकेगा। इस सेवा की शुरुआत करते हुए डॉक्टर सुनील हर्ष ने एक फ्री चेकअप कैंप लगाया और बड़ी संख्या में लोगों की जांच कर उसे उपचार करने का उचित सलाह भी दिया। ये जो जांच फ्री में हो रही है, ये मेनली हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और उसके रिलेटेड लीवर की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए एक मशीन होती है फाइब्रोस्कैन, इसकी जांच हो रही है। इससे क्या है कि लीवर में खराबी के कई स्टेज होते हैं, जिसको जैसे सिरोसिस बोलते हैं, सिरोसिस के मेनली कई 5 स्टेज होते हैं और इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि कितना लीवर खराब हो चुका है। पहले जब ये मशीन नहीं थी तो ये पता करने के लिए लीवर बायोप्सी करना पड़ता था, जो कि एक इन्वेजिव प्रोसीजर था। ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, इससे ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपका लीवर लगभग में कितना खराब चल रहा है। अगर ज़्यादा खराब चल रहा है तो उसकी दवाई आपको देनी जरूरी है, अगर कम खराब है तो आप थोड़े दिन के लिए रुक भी सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके माध्यम से मैं लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कहीं पे भी ये हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव देखा जाता है, जो कि किट से देख लेते हैं लोग, और उसके बाद कई सारे एंटीवायरल हैं जैसे कि लेमिविडिन, टेनोफोविर, ये सब लोग ऐसे ही दे देते हैं कि अच्छा ठीक है हेपेटाइटिस बी है तो ये खा लो, पेशेंट 1 महीना 2 महीना 3 महीना खाते हैं छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। 3 महीने खाने के बाद छोड़ना, मतलब अगर दवाई शुरू करना है तो उसका पूर्णतः इलाज जो भी होना चाहिए 2 साल 2.5 साल 3 साल, जब तक वो जड़ से ख़त्म नहीं हो जाए तब तक उसको इलाज, मतलब उसकी दवाई चलनी चाहिए, और अगर इलाज दवाई की ज़रूरत नहीं है तो नहीं चलनी चाहिए। कब दवाई की ज़रूरत है और कब नहीं है, इन्हीं चीज़ों की जांच आज यहाँ कराई जा रही है, और ये जांच इसीलिए फ्री में कराई जा रही है, मुफ्त कराई जा रही है, जिससे कि हर एक वर्ग लाभान्वित हो सके। कोई ऐसा नहीं रहे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इतना महंगा महंगा जांच कैसे कराएंगे। इसका मार्केट में कितना कॉस्ट है इस जांच का? देखिए, पहली बात तो ये हेपेटाइटिस बी और सी की जो जांच है ये लगभग लगभग 1000 रुपये की है जी। और फाइब्रोस्कैन जो है वो बिहार में अभी उपलब्धता इसकी है नहीं, तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है, जैसे कि प्राइवेट में गंगाराम हो गया, सरकारी में एम्स हो गए। तो प्राइवेट में गंगाराम मेदांता में अगर जाते हैं तो इसकी कॉस्टिंग 6000 से 8000 के बीच में आती है, और सरकारी में सब जगह तो है नहीं, एम्स दिल्ली में है तो एम्स दिल्ली में मतलब सरकार की तरफ से ये फ्री है, लेकिन फिर वहाँ ये है कि इतना लंबा लाइन है कि हर एक आदमी जा नहीं सकता। तो इसलिए ये क्या है कि ये वाला जो जांच हम लोग महीने में 2 बार करा दे रहे हैं, तो ये जो कोसी रीजन के, जो हमारे सीमांचल के या कोसी के लोग हैं, उनको इन्हीं जांचों के लिए भाई दिल्ली में जाना पड़ेगा या कहीं जाके लाइन में लगना पड़ेगा, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपका हेपेटाइटिस बी और सी भी फ्री हो गया, और अगर उसमें कुछ खराबी आई तो आपका लीवर का जाँच भी फ्री हो गया।